Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about Bachelor of Vocation courses, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially from employment issues point of view. To sabse pehle samajhte hain, ab let us see some data regarding unemployment in Assam. To dekhiye, according to periodic labor force survey, har kuch time pe ye periodic labor force survey karaya jata hai in order to understand कि हमारे देश में कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, उसमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं. तो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 का डाटा है, जिसमें पता चलता है कि असम हैज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 6.7% विच इज़ हायर देन ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 5.8%. और ये लॉकडाउन से पहले का डाटा है, लॉकडाउन के टाइम में तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे 2020-21 में. तो अब आपको सुन के लगेगा कि 6.7% तो काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें, अगर अनएम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन को आप समझें, तो आपको पता चलेगा कि दिस 6.7% इज़ क्वाइट हाई. देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिफाइन होता है वो भी ब्रीफली समझ लीजिए. अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ वर्किंग एज पर्सन, दैट मीन्स अ पर्सन बिटवीन 16 to 64 ईयर्स ऑफ एज इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट बट इज अनएबल टू फाइंड अ वर्क. सरल शब्दों में कहें तो ध्यान से समझिए, 16 से 64 साल की उम्र के बीच के जो भी लोग हैं, उनमें से बहुत कम ही लोग ऐसे हैं, 30-40% ही ऐसे हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं. वो होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. जितने लोग हैं वर्किंग एज ग्रुप में, उसमें से कितने लोग एक्चुअली काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं, और उनमें से 6.7% लोग को काम नहीं मिल पा रहा है. तो मतलब ये है कि एक तो बहुत कम लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं. अगर आप इस डाटा को देखिए, देखिए अगर आसाम के डाटा पे फोकस कीजिए, तो वर्कर पॉपुलेशन इज 43.4%. इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि ये वर्किंग एज पॉपुलेशन 16 से 64 साल की उम्र के बीच के जितने भी लोग हैं, उसमें से बस 43% लोग या तो काम कर रहे हैं नहीं तो काम ढूंढ रहे हैं, और उन 43% में से भी 6.7% को काम नहीं मिल पा रहा है. तो ये इस हिसाब से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ क्वाइट हाई. एक तो सिर्फ 100 में से 43 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से भी 6 से 7 लोगों को काम मिल नहीं पा रहा है. ये जो टेबल है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का वर्कर्स पॉपुलेशन या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. अगर आप देखें तो नागालैंड में स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 38% और उसमें से 17% अनएम्प्लॉयमेंट है. लेकिन भाई अगर ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, तो नॉर्थ ईस्ट की हालत बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के तुलना में थोड़ी ख़राब है वर्किंग एज पॉपुलेशन. सिक्किम को छोड़ करके बाकी सारे स्टेट्स जो हैं इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, सिक्किम और मेघालय को छोड़ करके. लेकिन सारा का सारा जो मामला ये है कि बहुत कम लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, उसमें से भी कई सारे लोगों को काम नहीं मिल रहा है. तो सवाल ये उठता है कि क्यों आखिर लोग काम नहीं करते हैं, क्यों काम ढूंढते नहीं हैं, इसके बारे में समझते हैं. इसके पहले ब्रीफली ज़रा समझ लीजिए, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक क्लैरिफिकेशन, कि जैसे हाउसवाइफ्स हैं वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में आती हैं 16 to 64 में, स्टूडेंट्स हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं 16 to 64 में, बट स्टिल दे आर नॉट काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड सिंस दे आर नॉट लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो ये लोग जो होंगे इस 43% पे नहीं आते, ये लोग रिमेनिंग 57% में आएंगे हु आर नॉट लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट दो दे आर इन दिस वर्किंग एज पॉपुलेशन. तो कई सारे इस तरह के लोग हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड की तरह काउंट नहीं होते, आइदर दे आर स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स. अब प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की तो है ही है, इस आर्टिकल में बताया गया है द बिगर प्रॉब्लम इज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है वो जरा समझिए. इट इज़ अ कंडीशन वेयर पीपल इन लेबर फोर्स आर एम्प्लॉयड बट लेस देन फुल टाइम और रेगुलर जॉब और जॉब्स इनएडिक्वेट विथ रिस्पेक्ट टू देयर ट्रेनिंग और इकोनॉमिक नीड्स. तो अनएम्प्लॉयमेंट तो एक प्रॉब्लम है ही, अंडर एम्प्लॉयमेंट उससे एक बड़ी प्रॉब्लम है. अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जहाँ पे लोगों को फुल टाइम जॉब नहीं मिल पा रहा है या फिर उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है.
एग्जाम्पल के लिए कई सारे ऐसे लोग हैं, देखिए अब इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के, मान लीजिए मैं नहीं कह रहा हूँ कोई काम छोटा या बड़ा है, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ट्यूशन पढ़ाना बुरी बात है या कोई ऐसा, लेकिन आप जिस हिसाब से हमने क्वालिफिकेशन करी है उस हिसाब से जब जॉब नहीं मिल पाती तो उसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से मोर देन 50% पॉपुलेशन आर अंडर एम्प्लॉयड, मतलब दे आर नॉट गेटिंग जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन और दे आर नॉट गेटिंग फुल टाइम जॉब। तो इसके पीछे कारण क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट पे एसे भी आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे पेपर फोर में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके पीछे कि अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई क्यों है हमारे देश में, उसके पीछे जो मेन कारण है वो है इंडस्ट्री अकेडमिया मिसमैच। तो क्या है ये इंडस्ट्री अकेडमिया मिसमैच, वो जरा समझिए। देखिए इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो भी है, मॉडर्न इंडस्ट्री जो भी उनको जिस टेक्नोलॉजी पे वो काम करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, और जो अकेडमिया मतलब जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है वो अलग है। आज भी कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में आउटडेटेड नॉलेज दिया जाता है, लेथ मशीन पर काम कराते हैं, जबकि इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं मिलती है। सो दैट इज़ इंडस्ट्री अकेडमिया मिसमैच, दैट इज़ द बिगेस्ट रीजन। देखिए हमारे देश में नौकरी की कमी नहीं है, CMI ने एक सर्वे किया था उसमें कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा था कि हमारे यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है, कमी है एडिक्वेट स्किल की, स्टूडेंट्स के पास वो स्किल ही नहीं है जिस कारण से इंडस्ट्रीज उनको अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे पाए। सो दिस इज इंडस्ट्री अकेडमिया मिसमैच, अकेडमिक्स नॉलेज कुछ और मिल रहा है जबकि इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट कुछ और है, और इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो वी हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री अकेडमिया मिसमैच। इसके लिए हमें अपने करिकुलम को अपडेट करना होगा, स्कूल्स कॉलेजेज में जो मॉडर्न स्किल्स हैं, जो मॉडर्न टाइम्स के रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमको ट्रेनिंग देनी होगी। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करना होगा यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, कि भाई इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट हैं उस हिसाब से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई दी जाए, स्किल डेवलप किया जाए। इस डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है भारत सरकार ने, जिसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। भारत सरकार की जो एजेंसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, इट ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बैचलर ऑफ वोकेशन BVOC इन 2015। दिस BVOC इज फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो एकदम सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे BA की डिग्री होती है, जिस तरीके से BSc होता है, BCom होता है, वैसे ही एक नया तरीके का बैचलर कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है BVOC, और ये 2015 से इंट्रोड्यूस किया है UGC ने। बट दीज कोर्सेज आर मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्लेसमेंट बेस्ड, इसमें जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट हैं इंडस्ट्रीज की, जैसे रिटेल मैनेजमेंट, IT, थिएटर, स्टेज क्राफ्ट, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, एक्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के हिसाब से लेबोरेटरी टेक्नीसियन, मास मीडिया, जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स इंडस्ट्री की उनमें ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को 3 साल का, उसमें कोर्स कराया जाता है, और जो डिग्री मिलती है उसको कहा जाता है BVOC। आसाम के अंदर भी 11 ऐसे कॉलेजेज हैं जिनको ये बैचलर ऑफ वोकेशन के अंतर्गत UGC ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया इन ऑर्डर टू रन सच कोर्सेज। दीज कॉलेजेस कम अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि UGC ने BVOC कोर्सेज स्टार्ट तो कर दिए, लेकिन बहुत कम लोगों को, बहुत कम स्टूडेंट्स को बी वोकेशनल कोर्सेज के बारे में पता है, और अगर पता भी है तो उसको लेकर के एप्रीहेंशंस बहुत सारे हैं। देयर आर मेनी डाउट्स इन माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दिस BVOC कोर्सेज, कि इस कोर्स की वैलिडिटी क्या होगी, इसको कोई मान्यता प्राप्त होगी कि नहीं होगी, क्या मैं BVOC को डिग्री लेकर के UPSC एग्जाम दे सकता हूँ, APSC एग्जाम दे सकता हूँ, क्योंकि इनको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं जिस पर सरकार ने अभी तक अवेयरनेस क्रिएट करने पे कोई काम नहीं किया, और यही कारण है कि स्टूडेंट्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन ऑप्टिंग फॉर दिस BVOC कोर्सेज। दे गो फॉर BA, BCom, BSc, बट दे डोंट गो फॉर BVOC, जबकि BVOC की डिग्री जो है वो एज इक्विवेलेंट है लाइक BA और BSc, इसकी उतनी ही वैलिडिटी है, इसको लेकर के एक स्टूडेंट UPSC, APSC के एग्जाम दे सकता है, लेकिन फिर भी इसको लेकर के जो अप्रीहेंशन है इस कारण से BVOC डिग्रीज आर नॉट पॉपुलर।
तो मुद्दा यह है कि वीवो के कॉन्सेप्ट को ला तो दिया है सरकार ने, इसको पॉपुलर करना, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये वीवो कोर्सेज के ऑप्शन अवेलेबल कराना ये भी जरूरी है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट 13 ब्रिक्स समिट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए ब्रिक्स, ब्रिक्स का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज ब्राजील रसिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रिक्स का, इट इवॉल्व इन 21st सेंचुरी, क्योंकि ये जो पांच कंट्रीज हैं दे आर हैविंग हाई एस्पिरेशन कंट्रीज, दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन कहीं ना कहीं 20th सेंचुरी में ये थोड़ा पिछड़ गए थे, लेकिन 21st सेंचुरी में दीज कंट्रीज आर हैविंग ह्यूज पोटेंशियल एंड दे आर गोइंग टू बी वर्ल्ड लीडर्स। हुआ क्या, देखिए 21st सेंचुरी के आते आते तक चाइना इमर्ज एज ए मेजर सुपर पावर हु वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू चैलेंज हेजेमनी ऑफ US। रसिया भी अपनी कोल्ड वॉर वाली जो ग्लोरी थी, कोल्ड वॉर के टाइम में जिसकी ग्लोरी थी उसको रिवाइव करना चाहता था। इंडिया भी अब एक मेजर पावर की तरह इवॉल्व हो रहा था बाय 21st सेंचुरी, जो अब ग्लोबल ऑर्डर को बदलना चाहता है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना चाहता है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि उसका उसका भी प्रेजेंस रियलाइज़ किया जाए, उसके भी इंपॉर्टेंस को फील किया जाए डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक UNSC, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो उतना ड्यू शेयर हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से, हमारे पोटेंशियल के हिसाब से वो ड्यू शेयर हमें मिलता नहीं है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो इन सब आइडियाज से इंस्पायर होकर के जो हम डेवलपिंग कंट्रीज थे जिनके पास मेजर पोटेंशियल है, जो फ्यूचर में वर्ल्ड लीडर हो सकते हैं, हम सब ने मिल करके एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया ब्रिक का। पहले स्टार्टिंग में ब्रिक ही था, बाद में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स बन गया। ये जो ब्रिक का कॉन्सेप्ट है बहुत पहले ही 2001 में ही जिम ओ'नील नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने दिया था कि भाई ये चार कंट्री ही फ्यूचर में रूल करने वाले हैं दुनिया को 21st सेंचुरी में, इन कंट्रीज़ को आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट ये अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रेंथन कर पाइए। जब साथ में आएंगे, कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तभी जा करके अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो फिर इस आइडिया से इंस्पायर होकर के ब्रिक समिट बुलाई गई, ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाया गया। 2009 में पहली समिट हुई ब्रिक की एट याकातरीन बर्ग इन रसिया। इस टाइम में बस चार कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना, ब्रिक था ये। 2010 में ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील में जब दूसरी समिट हुई वहाँ पे साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन किया, उसके साथ ही ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। उसके अलावा हर साल इसकी समिट होती रही। 2014 वाला जो समिट था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, इस कारण से मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ। दिस वॉज सिक्स्थ ब्रिक्स समिट हेल्ड एट फोर्टेलेजा इन ब्राज़ील। फोर्टेलेजा में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर के एक नया बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, हेडक्वार्टर एट शंघाई चाइना। ये जो ब्रिक्स बैंक है इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर दीज डेवलपिंग कंट्रीज, ऑल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक। कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर एलिगेशन लगता रहा है दैट दे एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ US एंड अदर वेस्ट कंट्रीज। ये कहीं ना कहीं बाकी सारे कंट्रीज को अपनी स्ट्रैटेजी मनवाने के लिए फोर्स करते हैं। कैसे 1991 में इंडिया को LPG रिफॉर्म्स लाना पड़ा फॉर गेटिंग बेल आउट प्रोग्राम फ्रॉम IMF। तो कहीं ना कहीं LPG रिफॉर्म्स माना जाता है कि US के इंटरेस्ट के हिसाब से ही है, US मार्केट इकोनॉमी है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF अपने आप को दिखाते हैं कि दे आर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, बट उन पर एलिगेशंस लगते रहे कि दे एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली US। तो उसका ऑल्टरनेटिव बनाना बहुत ज़रूरी था, इस कारण से वर्ल्ड बैंक का हमने एक ऑल्टरनेटिव बनाया ब्रिक्स में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और IMF का भी ऑल्टरनेटिव बनाया गया, CRA क्रेडिट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया गया एट ब्रिक्स। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी ओवर डिपेंडेंस ऑन द इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज लाइक IMF वर्ल्ड बैंक को हमने कम करना शुरू कर दिया विथ हेल्प ऑफ दिस ब्रिक्स। तो ब्रिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेशन अमंगस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ब्रिक्स से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है, ब्रिक्स की 13 समिट बुलाई गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके चेयरमैनशिप इंडिया के पास थी। तो इट इज दिस 13 ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2021 हैज बीन कंडक्टेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया एंड दैट इज वाई आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज चेयर्ड दिस 13 ब्रिक्स समिट। ये पूरी तरह से वर्चुअल फॉर्मेट में कराया गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ये जो 13 ब्रिक्स समिट थे इसका थीम है ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। अगले बार PT से पहले इसको याद कर लेना, इस बार PT में तो नहीं आना चाहिए। अगर इस पूरे ब्रिक्स
सेशन को देखा जाए तो इसमें पूरा का पूरा फोकस जो है वो अफगानिस्तान पे रहा है। ये पांचों कंट्रीज़ ने इस पे जोर दिया है कि अफगानिस्तान शुड नॉट बिकम अगेन अ रिफ्यूज फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स। जिस तरह से 1996 से लेकर के 2001 तक में अफगानिस्तान तालिबान के रूल के अंतर्गत रिफ्यूजीज टेररिस्ट लोगों के लिए, टेररिस्ट के लिए एक सेफ रिफ्यूज बन चुका था, सेंचुरी बन चुका था, वही सिचुएशन दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए दिस टाइम व्हेन तालिबान हैज़ कम टू पावर। यही मेन एरिया ऑफ डिस्कशन रहा है इन दिस 13 ब्रिक्स समिट हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली सब सेक्टर एजुकेशन। तो देखिए छोटा सा न्यूज है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड डोमेन ऑफ नॉलेज। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है 2015 से ही ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क निकालती है ताकि हमारे देश के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंकिंग दी जा सके। इस रैंकिंग के मदद से फ़ायदा क्या होता है कि हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बीच में, और इससे उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारे देश में इम्प्रूव होगा। तो पांच पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कितना बेहतर वहाँ पे पढ़ाया जाता है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कितना बेहतर वहाँ रिसर्च होता है, कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं वहाँ से, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी कितने डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है, पीयर परसेप्शन बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। इन पाँच क्राइटेरिया के बेसिस पे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क पब्लिश होती है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस साल की 2021 के नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क पब्लिश कर दी है। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास हैज़ बिन गिवन रैंक 1, IISc दूसरे नंबर पे, IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली चौथे नंबर पे, IIT कानपुर पांचवें नंबर पे। अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की जाए तो जो 7 IITs हैं वही टॉप 7 में हैं, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की एंड गुवाहाटी। नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, इट इज अबाउट नदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए छोटा सा न्यूज है, अभी तक माना जाता था कि ग्रीनलैंड से नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड है उडाक आइलैंड, विच इज नदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक्सीडेंटली रिसर्चर्स को एक दूसरा आइलैंड मिल गया है जो इस उडाक आइलैंड से भी नॉर्थ में है, थोड़ा सा 780 मीटर नॉर्थ में इस उडाक आइलैंड के, ये एक्सीडेंटली मिला है। इनको लग रहा था कि ये उडाक आइलैंड पे ही है, तो यहाँ पे कहीं पे उडाक आइलैंड है जो नदर्न मोस्ट आइलैंड माना जाता था पूरे दुनिया का ग्रीनलैंड से थोड़ा सा नॉर्थ में, लेकिन उससे भी लगभग 780 मीटर नॉर्थ में एक दूसरा आइलैंड मिल गया है रिसर्चर्स को बाई एक्सीडेंट। इसको सेरेंडिपिटी कह रहे हैं, गलती से, आप समझिए कहते हैं ना गलती से मिस्टेक हो गया, तो वैसे ही इन लोगों को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एक नया आइलैंड मिल गया है, PT पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बन सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो नाउ दिस आइलैंड जिसका नाम रखा जाएगा केकर्तक एवनार लेक, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इसको याद कर लेना, ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज में इसका मतलब हुआ द नदर्न मोस्ट आइलैंड। तो अब से उडाक ना होकर के ये केकर्तक एवनार्लिक आइलैंड विल बी द नदर्न मोस्ट आइलैंड। काफ़ी छोटा आइलैंड है, 30x60 मीटर का आइलैंड है, हार्डली इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो 3 मीटर हाइट की है, लेकिन अब ये उडाक ना होकर के ये केकर्तक अवर्नक आइलैंड विल बी द नदर्न मोस्ट आइलैंड विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली ऑफ ग्रीनलैंड कोस्ट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 4 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो काफ़ी छोटा सा न्यूज है, इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर खोला गया है तमिलनाडु स्टेट के अंदर। तो डुगोंग समझिए किस तरह का मरीन एनिमल होता है जिसको सी काऊ भी कहते हैं, थोड़ा सा वो काऊ जैसा दिखता है इसलिए इसको सी काऊ भी कहते हैं। दिस डुगोंग इज फाउंड इन द वार्म लैटिट्यूड ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। इसकी खासियत ये है कि पूरी तरह से हर्बीवोरस मैमल है, और ये इकलौता हर्बीवोरस मैमल है जो स्ट्रिक्टली मरीन है, मतलब पूरी तरह से पानी में रहने वाला इकलौता अकेला हर्बीवोरस मैमल है ये सी काऊ डुगोंग।
इट इज़ कैटेगराइज एज वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट शेड्यूल वन, यानी कि हाइएस्ट प्रोटेक्शन इसको मिल रखा है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड दिस सीकाउ डुगोंग इज ऑल्सो स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आईलैंड्स। इस सीकाउ डुगोंग पे UPSC प्रीलिम्स ने 2015 में ऑलरेडी एक सवाल पूछा हुआ है, तो वही सवाल मैंने आपको दे रखा है फॉर प्रैक्टिस। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस इज फॉर सुगर केन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द कंट्री हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज इट्स ऑफिशियल करेंसी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी अल साल्वाडोर। एंड PL स्कीम में सबसे ज़्यादा फंडिंग किस बजटरी एलोकेशन किया गया है फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।